बीजेपी नेता द्वारा किया गया अवैध कब्जा गिरा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में गंगा कटरी में बीजेपी के पदाधिकारी द्वारा कई बीघे सरकारी जमीन हड़पने के बाद फतेहपुर चौरासी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा राजस्व एवं पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा करके उन्नाव हटोई मार्ग के किनारे करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने का वहीं के निवासी लोगों ने आरोप लगाया था, लेकिन प्रशासनिक अफसरों की मिलीभगत से कब्जा कराने के बाद उसकी बाउंड्री करा दी गई, जिसके बाद प्रदेश शिकायतकर्ता उच्च अधिकारियों को अपनी सुनाता रहा। अंततः आज बागरमऊ तहसील के राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हकीकत की जांच पड़ताल शुरू किया और अवैध निर्माण को गिरवा दिया। बागरमऊ तहसील क्षेत्र के थाना फतेहपुर चौरासी की ग्राम पंचायत हफीजाबाद में उन्नाव हरदोई रोड के किनारे उमरखेड़ा में पशु बाजार स्थित था, जिसका उद्घाटन सन 1992 में तत्कालीन डीएम सुधीर कुमार बोबड़े ने किया था, जिसके समीप बीजेपी नेता सहकारी संघ जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने भूमि संख्या 476 खरीदी थी। वहीं 475 गाटा संख्या जिसके दक्षिण में हनुमान मंदिर है तथा शेष भाग खाली पड़ा था। शिकायतकर्ता बैजनाथ यादव ने उसी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी पदाधिकारी पर जमीन को कब्जा करने के साथ ही उसकी बाउंड्री कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्नाव हरदोई मार्ग पर नारेखेड़ा उमरपुर के पास स्थित बजरंगबली मंदिर के पश्चिम साइड में पड़ी जमीन को बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर बनाने का आरोप लगाते हुए काफी पुराने हनुमान मंदिर के पुजारी बाबा ने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, जिस पर आज मामले को संज्ञान में लेते हुए बागरमऊ तहसील के राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के साथ ही साथ बीजेपी नेता पुत्तीलाल द्वारा किया गया निर्माण तथा अन्य अवैध कब्जा तहसील प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गिरवा दिया।